एक घंटे से एक मक्खी तक नहीं आई हमारे स्टॉल पर। क्या पुष्पा जी, क्यों परेशान हो रही हैं? हमें देखिए, सुबह से हमारी दुकान से तिनका नहीं बिका है, कभी कुछ नहीं बिकता है, लेकिन हम हिम्मत हारे लगे हुए। तुमको तो इस सब की आदत है ना, हमें नहीं है। जब से हमारा स्टॉल लगाए बैठने तक की फुर्सत नहीं मिली थी हमें। अब देखो क्या है, कब से देख रहे हो हमारी तरफ ऐसे टुकुर टुकुर देख रहे हो जैसे आखिरी बार देख रहे हो? क्या बात है, क्या हुआ है, कहीं जा रहे हो क्या तुम दोनों? अरे हम तो आपके जाने की बात सोच रहे हैं। हम दोनों? बोल। जाना तो है। एक दिन सबको जाना है माँ। बात तो सही है। अरे वाह, बहुत ही बढ़िया। ये खेल सकते हैं क्या? हाँ हाँ खेल सकते हैं ना, ये लीजिए 20 रुपए। माँ माँ मैं खिलाता हूँ इनको 20 रुपए। ऐसा करो बिल्ले तुम खिलाओ, हम जरा जूस पी कर आते हैं। देखते देखते पुष्पा जी, अरे पूरा दुकान छोड़ के ऐसे कैसे जूस पीने चली जाइएगा आप? अरे आपका जरूरत है यहाँ पर भाई, हम आपको कहीं नहीं जाने देंगे। पर क्यों? माँ चोरी हो सकती है ना बिल्ले। अरे तुम्हारे होते हुए कोई कैसे चोरी कर सकता है, तुम इतने बड़े चोर थे। तो तुम्हारी पारखी नजर है ना, तुम यूं पकड़ लोगे। ऐसे आ रहे थे हम। अच्छा, अरे हाँ मंत्री जी आने वाले हैं ना, हमारी लिपस्टिक कम हो गई है, हम जरा लिपस्टिक लगा कर आते हैं, ठीक है? हटो हटो। मंत्री जी आ रहे, नवाब साहब आ रहे हैं। बाहर कोई और बैठा है तुम्हारी माँ का स्वागत करने के लिए। बात क्यों नहीं समझ रही है तुम्हारी माँ? क्योंकि मेरी भोली माँ, मेरी प्यारी। अरे ओलंपिक गेम है, सब जीत गए तुम? हाँ हाँ जीत तो गए, ये भी जीत लिए हो। हाँ हाँ जीता है हमने। समझाओ बतिया, ये जीता है? बतियाओ बतियाओ इनसे। हाँ, जीते हो कैसे? हाँ, ये सारे रिंग तुमने डाले हैं? बिल्कुल डाले हैं, नियम के हिसाब से खेलते हैं हम। गेम नियम कौन सा नियम, चीटिंग किया है, यहाँ से जा ही नहीं सकते। मैं भी खेलूंगा, मैं भी खेलूंगा। ये देखो, ये गया गया, अभी ये मेरा हो गया। क्या है, दिमाग भी साफ हो गया है क्या आपका? चलिए दिमाग साफ हो गया। आज जीता तुम जीता, ओए बकवास, दो इसको, ये जीता है। मेरा है। अरे मेरा छोड़ दे, मेरा गांव, मेरा सास। रुक ना यार, रुक जाओ, ये ले 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 ले, ये भी ले, तुमको चाहिए ना ये सब लेके। साबुन नहीं, एक मिनट, एक साबुन का क्या करेगा तुम? साबुन का क्या करेगा? रोटी में लपेट के या चावल में सान के साबुन खा लो, फिर भी तुम सेव रहेगा, शकल नहीं बदलने वाला तुम्हारा। निकलो यहाँ से, निकलो यहाँ से। आप लोग क्या देख रहे हैं, हटो यहाँ से। जाइए मैडम, जाइए अपना काम कीजिए। बदनाम, अपना काम हमें क्यों देते हो तुम? भाई बिजनेस पार्टनर हो तुम? हाँ इसीलिए गए थे, पुष्पा जी थी नहीं, चाय रख के चले आए। एक मिनट, भीतर पुष्पा जी नहीं है? नहीं, मेरी प्यारी माँ। बिल्ले हाँ। नहीं लग रहा, नहीं लग रहा, पुष्पा जी का फोन नहीं लग रहा है, क्या कर रहे हैं आप? मेरी भोली माँ। करिश्मा मैडम बोली थी कि पुष्पा जी का क्या लगना, अब फोन लगा, फोन लगा। किसका फोन आ रहा है? तो तुम्हारा बिना बेवक्त सुर लगता है, बोलो। पुष्पा जी ना बिना किसी को कुछ बोले, बिना किसी से कुछ भी बताए, पता नहीं कहां पर चली गई हैं। इधर सब जगह हम ढूंढे, थाना देख लिए, सब जगह छान मारे, उनका नाम कहीं कुछ पता नहीं चल रहा है मैडम। चीते तुम ना, तुमको कोई काम देना मतलब खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मारना। एक काम कहा था कि पुष्पा जी पे नजर रखना है, उनका ध्यान रखना है, तुमसे वो नहीं हुआ। मैडम नजर रखे थे हम, बोली कि हमको लिपस्टिक लगाना है, थाना के अंदर गई और हम यहाँ पर बाहर थे, बिल्ला का एक झगड़ा हो गया था, उसी को सुलझाने लगे हम। अम्मा क्या बोल रहे हो? वो ये कह रहे हैं कि पुष्पा जी लिपस्टिक ठीक करने गई थी और इधर बिल्लू का झगड़ा हो रहा था, तो एक साथ दोनों प्रॉब्लम टैकल करना मुश्किल था उनके लिए, इसलिए पुष्पा जी कहीं निकल गई। सुनाई आ रहा है, सुनाई आ रहा है, हम सुन सकते हैं। तो फिर बार बार क्या क्या क्यों कर रही है, वो भी क्वेश्चन मार्क के साथ। हम क्या करें, क्यों करें, कैसे करें, हमारी मर्जी। तुमको बोला हमने बीच में टांग अड़ाने के लिए। और आज क्या डे है? मंडे। मंडे मंडे को वो जाती है, सोमवार को जाती है ना मंदिर में दर्शन करने चीते। तो एक काम करो, वहाँ जाके ढूंढो और आसपास के लोगों को पूछो कि उन्होंने पुष्पा जी जैसे हुलिया वाली औरत को कहीं देखा है क्या, और मैडम सर को फटाक से इन्फॉर्म करो, ठीक है? हम भी निकल रहे हैं उनको ढूंढने। ठीक है मैडम, ठीक है मैडम, ढूंढते ढूंढते। हम कहाँ जा रहे हैं? सुना ना, अब ये सुनाई नहीं आया कि पुष्पा जी गायब हो गई, उनको ढूंढने जाना है। पर हमें तो जोकर को ढूंढना है, अभी वो टास्क कंप्लीट नहीं हुआ है। टास्क क्या भाड़ में, सबसे पहले हम पुष्पा जी को ढूंढेंगे। पर हसीना मैडम के ऑर्डर है कि हमें जोकर को ढूंढना है, हमें पहले उसे ढूंढना चाहिए। मेरा तुमको पता है पुष्पा जी क्या है हमारे लिए? अम्मा माँ से बढ़कर है, उनमें जान बसती है हमारी।
उनके लिए हम पूरा सृष्टि फूंक सकते हैं, ये ऑर्डर तो कुछ भी नहीं। लेकिन तुम्हारी जैसी निर्जीव, तुम्हारी जैसी ये मशीन ये चीज नहीं समझ पाएंगी कभी। इसलिए तुमको जो करना है तुम करो, लेकिन हम सबसे पहले पुष्पा जी को ढूंढने जाएंगे, समझी? तुमको जाना तो तुम जाओ सबसे पहले पुष्पा जी, फिर बाद में सब कुछ। और हाँ, मैडम सर के ऑर्डर्स है कि पुष्पा जी का ध्यान रखना है, उनकी जान खतरे में है। अगर आज उनको कुछ भी होता है तो ये उनके ऑर्डर का उल्लंघन होगा। ओके, तो फिर हमें हेड कांस्टेबल पुष्पा सिंह को ढूंढना चाहिए। चलिए उनकी तलाश करते हैं। क्या? हाँ मैडम सर, उसके बाद से नहु कहीं पर नहीं मिल रही है, सब जगह देखे। उन्हें ढूंढना बहुत जरूरी है चीता, आसपास जाकर देखो, वो होंगी कहीं ना कहीं। जी मैडम सर, हम कोशिश कर रहे हैं। ओके। एक फोटो खींचेंगे हमारी। ये सब कुछ ठीक वैसे ही हो रहा है जैसा मीरा ने दिखाया था कि पुष्पा जी की मौत सर्कस व्हील पे चाकू लगने से होगी। पुष्पा जी? पुष्पा जी, लेकिन आप यहाँ क्या कर रही हैं? हमने आपको वहाँ थाने में कुछ काम दिया था ना, हमने आपको वहाँ पर, अब बिना परमिशन के यहाँ पर आई कैसे? मैडम सर, आप पहले शांत हो जाइए। आपको भी पता है हमने आज तक आपके किसी भी आदेश का उल्लंघन नहीं किया है, तो आज कैसे करते? आप वो डोनेशन का बॉक्स यहाँ पे लेके आई ना, मगर उसकी चाबी आप वहीं भूल गई थी, इसलिए हम चाबी लेकर आए ताकि इन लोगों को दिक्कत ना हो वो बक्सा खोलने के लिए। अब हाँ नहीं, अच्छा कि आपने पुष्पा जी, लेकिन अगली बार अगर ऐसा कुछ भी हो, कोई भी प्रॉब्लम आए, तो आप हमें फोन करेंगी, हमें बताएंगी प्रॉब्लम क्या है, फिर हम आपको बताएंगे कि आगे क्या करना है। क्यों? नहीं नहीं, मतलब करेंगे जैसा आप कह रही हैं वैसा, मगर चले चाबी दे दे। हाँ हाँ, इसी बहाने मदर मार्था से हम मिलेंगे। हाँ चलिए चलिए, आप चलिए। नहीं आप आगे चलिए, आप चलिए आगे, चलिए इस तरफ, यहाँ है। हाँ हद होता है चीते, हद होता है। तुम्हें एक काम दिया था, मैं बोला था कि पुष्पा जी के आसपास रहना, उन पे नजर रखना, उनसे नजर नहीं हटना चाहिए, खास करके इस समय पे जब उन पे खतरा है। क्या बात कर रही हो? वो ये कह रही हैं कि पुष्पा जी को इस समय अकेले कैसे छोड़ दिया जबकि इस समय उनकी जान को खतरा है। क्या बकैती चल रहा है ये? पुष्पा जी कहाँ है? हाँ कौन? बाप रे बाप, पुष्पा जी हर बार कैसे चौंका देती है। आप ठीक तो है? अरे क्या हुआ? आप ठीक है ना? दिख रहा है ना हम ठीक है? क्या हुआ? ये ठीक है, नो फिजिकल इंजरी, नो वुंड, शी इज मेंटली फिजिकली एब्सोल्युटली फिट एंड फाइन। ओहो, अब ये सुन सुन के ना हम पक गए। चल क्या रहा है यहाँ? नहीं नहीं पुष्पा जी, क्या हुआ कि आप बिना किसी से कुछ बोले, बिना किसी को कुछ बताए, ऐसे ही अचानक से निकल कर चली गई ना, तो वही हम लोग डर गए कि पता नहीं आप जहाँ पर भी रहिएगा ठीक से रहिएगा कि नहीं। हाँ, ऊपर से ही नरकंकाल, ये हम लोग को और डरा दिया कि माँ अकेले निकल गई है, पता नहीं ठीक होगी कि नहीं, अकेले चली गई है क्या? बाप रे, कैसे रहे का? हमें समझ में नहीं आ रहा है दिक्कत क्या है। नहीं, हम देख रहे हैं कि कोई भी हमें अकेला नहीं छोड़ रहा है दो मिनट के लिए भी। उनके छोटे बच्चे हैं, जो बाहर अकेले जाएंगे तो कहीं खो जाएंगे। क्या चल रहा है ये? क्या चक्कर है ये बताइए हमें मैडम सर, बताइए, बताओ क्या चक्कर है? चीते, चक्कर ये है कि चक्कर ये है कि हम ही ने इन सब को कहा है कि क्रिसमस से लेके 31st तक सब लोग ड्यूटी पर थोड़ा ज्यादा ध्यान देंगे, थोड़ा ज्यादा केयरफुल रहेंगे। हाँ, बहुत स्ट्रिक्टली कहा है, इसीलिए
और आपका ठेला, आई मीन आपका स्टॉल भी तो है ना जो आप संभाल रही हैं। बच्चों को एक इस तरीके से इतने अच्छे से सिर्फ आप ही संभाल सकते हैं पुष्पा जी। हाँ, तो इसलिए जब आप अचानक से अपना ठेला स्टॉल छोड़कर चली गई तो ये सब बौखला गए कि अब आप नहीं है तो स्टॉल कौन संभाले। हाँ, पुष्पा जी, हाँ, आपका इतना सुंदर स्टॉल पर ही नरपिशाच खड़ा था, बच्चा सब इसको देख के डर के भाग जा रहा था सब। बच्चों को हमसे बहुत खास लगाव है, उनकी पसंदीदा दीदी जो ठहरे। रॉन्ग कैलकुलेशन, दीदी नहीं, राइट कैलकुलेशन, दादी। चलिए पुष्पा जी, आपको अपना स्टॉल संभालना है, प्लीज प्लीज संभालिए। मोटी मोटी दादी जी कहाँ जाइए, कहाँ सब बच्चा सब। हाँ चलो चलो, आ जाओ आ जाओ, किसको खेलना है? करिश्मा सिंह, आप ठीक हैं? हम ठीक हैं। इट्स ओके, हम सब जानते हैं कि आप पुष्पा जी से कितना प्यार करती हैं। मेरे सिस्टम में प्यार का ये तरीका नॉट राइट। इनकी आंखों में आंसू है। तो रोते तब हैं जब दुखी होते हैं, जब प्यार करते हैं तो चेहरे पे स्माइल होती है। ह्यूमंस आर स्टिल कॉम्प्लिकेटेड। तुम्हारी तो करिश्मा सिंह। नहीं मैडम सर, देखिए ना, ये हमको ये टीन का डब्बा हमको भावनाएं सिखाएगी। हाँ, जिसके लिए भावनाएं खुद एक फोन के इमोजी की तरह है। रॉन्ग, आई नो इमोशंस। मैया की सासू मैया तू। करिश्मा सिंह प्लीज काम डाउन, हमारे पास इससे बड़ी प्रॉब्लम है जिस पर हमें फोकस करना है। आप नहीं जानती हैं कि वहां अनाथालय में क्या हुआ था। दरअसल वहां पर नहीं नहीं, हमको टेंशन लेने का बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। क्या है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। पुष्पा जी को कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं हो सकता है उन्हें। ये पूरा दिन हमको घुमा रही थी इधर से उधर, उधर से उधर। जोकर क्या, जोकर का टोपी तक नहीं मिला है हमको, कहाँ है? हाँ, ये इसकी भविष्यवाणी सब गलत है, ये कुछ भी बोल रही है। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है पुष्पा जी। जरूर होगा और होकर रहेगा और उसे कोई नहीं बदल सकता, पर उससे बचने की कोशिश जरूर कर सकते हैं। और आपको अपनी एनर्जी इस समय मुझे कोसने के बजाय विक्टिम को बचाने की कोशिश में लगानी चाहिए। हम और टीम के डब्बे, तुम लोगों को आज ही मरोगे क्या? तुमने विक्टिम कहा ना, उनको तो देख लेना। हम आपकी तकलीफ बहुत अच्छे से समझते हैं, लेकिन एक मिनट। जय हिंद सर। हम सब जानते हैं, हमने एक जरूरी सूचना देने के लिए फोन किया था। हाँ सर, कही। डिपार्टमेंट ने निर्णय लिया है पुलिस फ्रेंडली डे उत्सव मनाया जाएगा और उसमें मदर ब्लेस ऑर्फनेज चुना गया है। और ऑर्फनेज के सभी बच्चों के लिए, जानती हैं आप, मैजिक शो का आयोजन भी किया गया है। अरे मिस मलिक, अरे भाई सुन रही हैं आप? हाँ, हम सुन रहे हैं। अरे सब ठीक तो है ना? हाँ सर, दरअसल प्रॉब्लम ये है कि मीरा ने कुछ प्रेडिक्शन किया था थाने के बारे में, और उस प्रेडिक्शन ने सबको थोड़ा सा डरा दिया है, इसलिए अब सब थोड़े से परेशान हैं। अच्छा, क्या क्या प्रेडिक्ट किया मीरा ने? प्रेडिक्शन ये है कि यही बात है सर। अरे तो हसीना मलिक जी, ये तो अच्छा है ना कि अगर कुछ बुरा होने वाला है, अगर हमें पहले ही पता चल गया तो हम बुरा होने से रोक सकते हैं ना। अरे भाई यही तो फायदा है ना मीरा जी जैसे एडवांस तकनीक का। रोकिए उस जोकर को और बदल डालिए भविष्य को। हाँ सर, आप सही कह रहे हैं, लेकिन ऐसी सिचुएशन में पुष्पा जी का उस मैजिक शो में जाना खतरे से खाली नहीं है सर। तो ठीक है, पुष्पा जी को मत लाइए, आप और आपका स्टाफ आ जाएगा। और सुनिए, आप और आपका स्टाफ सही समय पे पहुंच जाए, ठीक है? इस बात का ध्यान रखिएगा। जी सर, जय हिंद। जय हिंद। क्या बोले मैडम सर, क्या हुआ? मदरब्लेस ऑर्फनेज में मैजिक शो रखा है डिपार्टमेंट ने पुलिस फ्रेंडली डे के ओकेजन पर, और हम सबको जाना है। मैंने कहा था, मैंने फ्यूचर देखा है और जो मैंने देखा है वो जरूर होगा, कोई भी उसे बदल नहीं सकता। और इसी पुलिस फंक्शन में होगा, इसी मैजिक शो में होगा। हेड कांस्टेबल पुष्पा सिंह पे कोई जोकर चाकू चलाएगा। कौन किसी चाकू मार रहा है भाई? हर बार कैसे आप चौंका देती हैं पुष्पा जी, बताइए ना। नहीं पुष्पा जी, क्या है ना कि एक मैजिक शो हो रहा है और उस कार्यक्रम के लिए ना पूरा महिला पुलिस थाना जो है हम लोग को आमंत्रण आया है।
तो हम लोग को वहां पर जाना है। तो बस वही बात चल रहा था कि मैजिक शो में भी कैसा कैसा कलाकार होता है सब। आंख पर इसे पट्टी बांध के एकदम चाकू से निशाना लगाता है सौरभ, मजाल मजाल की निशाना चूक जाए सारा निशाना एकदम सटीक जगह पर लगता है। तो वही बात, मैजिक शो में बुलाए हम सबको, हम भी आएंगे। हमें मैजिक शो इतना पसंद है ना कि क्या बताए। मैडम से पता है आपको, जब हम छोटे थे ना पूरे शहर के सारे मैजिक शोज हम देखते थे, एक भी कभी छोड़ा नहीं हमने। नहीं नहीं, आप मैजिक शो नहीं जा सकती हैं, थाने का कामकाज संभालिए आप, ठीक है? आप कहीं नहीं जा रही हैं। हम जाएंगे, पूरे थाने से आपको बुलाया है ना, हम भी जाएंगे। नहीं जा सकती हैं, हम आपके यहाँ पे सीनियर हैं और आप हमारा ऑर्डर फॉलो करेंगी। ये हमारा ऑर्डर है, आप थाने में रहेंगी बस। हाँ हाँ, हम आपके सीनियर हैं। आप शायद भूल रही हैं कि आपके भी सीनियर यहाँ खड़ी है। इस शो को देखने के लिए कौन जाएगा कौन नहीं, ये मैडम से तय करेगी। मैडम सर, हमें भी जाना है, बताइए ना मैडम सर। हम हाँ, आप चलेंगी, आप चलेंगी पुष्पा जी, आपके बिना हमारी टीम अधूरी है। देखा देखा, ये होता है सीनियर, कैसी पूरी टीम को साथ रखता है। पुष्पा जी आप, जी मैडम, आप बाहर जाइए ना, बच्चों का जो वो खिलौनों वाला स्टॉल है उसे संभालिए प्लीज। हाँ, आज वैसे भी बच्चों ने हमें बहुत लूटा है। शुक्रिया मैडम सर। कहाँ है मैडम सर? आपने कहाँ है उनको बोला कि वो वहां साथ आ सकती है? आपको पता है वहां पे उनको खतरा हो सकता है। करिश्मा सिंह, आप नहीं जानती हैं पुष्पा जी को। अगर उन्हें पता चलेगा कि हम सब जा रहे हैं और सिर्फ उन्हें अकेला छोड़ दिया है, वो जमीन आसमान एक कर देंगी इसके पीछे की वजह जानने में। आप जानती हैं उन्हें बहुत अच्छे से। हम उन्हें उस शो में जाने से रोकेंगे, लेकिन उसके लिए हमें कोई और तरीका सोचना होगा। पुष्पा जी को हम उस शो से दूर रखेंगे किसी भी कीमत पर। जी जी सर, जी जय। ठीक है ठीक है मैडम सर। हाँ, हमने पता किया, हमने लल्ला से भी पूछा, लेकिन कोई ऐसा दुश्मनी या प्रतिशोध वाला एंगल निकल कर नहीं आया। समझ में नहीं आ रहा कि कौन है ये जोकर जो पुष्पा जी के पीछे पड़ा हुआ है, उनको मारना चाहता है, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा। करिश्मा सिंह देखिए, अब जो कुछ भी है, ये जो पुलिस फ्रेंडली डे का जो सेलिब्रेशन है इस ऑर्फनेज में, इसको तो हम टाल नहीं सकते, हमें जाना ही होगा। और हमें 100% यकीन है कि ये जोकर इसी सेलिब्रेशन में आएगा एक मजिशियन की टीम का हिस्सा बनके। बस हमें उसे ढूंढना है, उसे रोकना है और वजह पता लगानी है कि वो ये सब कर क्यों रहा है। और उम्मीद करनी है कि उसे हमारे प्लान की भनक नहीं पड़ेगी। मीरा, तुम क्या कर रही हो? चार्जिंग मैडम सर। मैडम सर, मुझे ऐसा लगता है कि अगर हेड कांस्टेबल पुष्पा सिंह वहां पे जाएंगी तो जोकर उन पे हमला जरूर करेगा। हम आओ टीम का डब्बा, पुष्पा जी वहां पे नहीं जाएंगी। ये पता है हम सबको बात कि वो वहां जाएगी तो उनकी जान को खतरा, तो हम उनको वहां ले जाने की मूर्खता काहे करेंगे। मूर्ख तुम हो क्योंकि ऐसा कुछ नहीं होने वाला, समझ के तुम हमारी बात को, पुष्पा जी वहां नहीं जाएंगी। ये समय इमोशनल होने का नहीं है, मौके का फायदा उठाने का है। अगर हमें पुष्पा सिंह को इस फ्यूचर थ्रेट से बचाना है तो हमें उनका इस्तेमाल करना ही होगा। इस्तेमाल इस्तेमाल तुम्हारी बेजान दुनिया में यूज होता होगा, बहुत उपयोगी शब्द होगा, लेकिन हमारी दुनिया में इस्तेमाल शब्द का मतलब होता है धोखा, चालबाजी। और माँ के साथ ऐसा चालबाजी हम नहीं कर सकते हैं, वो नहीं जाएगी। लेकिन तुम ये टीम का डब्बा, तुम बेजान, तुम कैसे समझोगी इस बात को? शायद, पर मैं इमोशनल होने में और इमोशनल फूल होने में फर्क अच्छी तरह से समझती हूँ, और इस समय मुझे आप इमोशनल फूल लग रही हैं। तुम्हारी करिश्मा सिंह, प्लीज प्लीज एवरीबॉडी प्लीज काम डाउन। हम सब यहाँ एक ही टीम में हैं, हम सबका मकसद एक है और वो है पुष्पा जी की जान बचाना। इसलिए प्लीज करिश्मा सिंह काम डाउन। मशीन है, आप क्यों इतना परेशान हो रही है? हो गया, सब तैयारी होगी, बच्चों के लिए तोहफे भी रख दिए सब एकदम। चलिए चलिए, देर हो रही है, चलिए चलिए। अब आपको क्या अलग से निमंत्रण देना पड़ेगा, चलिए ना। नहीं, हम क्या कह रहे हैं कि सभी जा रहे हैं ना फंक्शन में, तो पीछे थाना संभालने के लिए आप तो लोग आए नहीं, मैं जाकर वापस भी आ गई। Humans are still slow. बाप रे बाप बे। आप सही कह रही हैं करिश्मा सिंह, अब हमारे ही दिमाग से बात निकल गई, किसी को तो रुकना होगा ना अब यहाँ थाना संभालने के लिए। हाँ बिल्कुल, और पुष्पा जी तो सबसे सीनियर है यहाँ पे, तो हमारे विचार में शायद पुष्पा जी रुक जाएंगी तो बढ़िया हो जाएगा। नहीं नहीं, हम कुछ नहीं जानते, हम जाएंगे। मैडम सर, हमें मैजिक शो देखना है, हम जाएंगे, हम जाएंगे। हम रुक जाते, आप लोग जाइए मैजिक शो, हम रुकते। मैडम सर, इस बार जाना है या नहीं जाना है? तुम चार्जिंग पे लगो। ओके। हम क्या कह रहे हैं पुष्पा जी, क्या कर रही हैं आप? इतना अच्छा मौका अपने हाथ से खाए गवा रही हैं आप?
अगर आप यहाँ थाने में रुकती है तो थाने में जो भी केस आएगा वो तो आप सॉल्व करेंगे ना अकेले ना, यही सपना था ना आपका कि आपको रिटायरमेंट से पहले एक केस सॉल्व करना है खुद के दम पे ना। मतलब एक बात बताइए, आप क्या ये हेड कांस्टेबल बन के रिटायर होना चाहते या फिर SHO बन के रिटायर होना चाहते, ये तो सोचिए, आप सोचिए अपना सुनहरे भविष्य के बारे में सोचिए पुष्पा जी। बहुत बढ़िया, सब सुन लिया मैंने, बहुत बढ़िया। ओके पक्का? हाँ पक्का पक्का। जय हिंद मैडम सर। जय हिंद। जय, अब जाना है या नहीं जाना है? हाँ हाँ चलना है, चलिए। ध्यान रखना अपना, ख्याल रखिएगा पुष्पा। हम रुक तो गए हैं मगर इतनी भी कौन सी मुसीबत आने वाली है, अगर हम कुछ देर के लिए मैजिक शो देख कर आ भी जाए तो किसी को पता भी नहीं चलेगा और हम जादू देख कर आ भी जाएंगे। Yeah.